चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। भाजपा भाजपा है, सरमाएदारों की पार्टी है, जो मजदूर किसान है सब परेशान है। अगर यू भी खत्म हो गया तो आत्महत्या करने के कगार पर खड़ा किसान। प्रशासन को सब कर्मचारी है, तनख्वाह है उनकी, लेकिन उनमें ऑर्डर को ऊपर से ही आते हैं। हम तबादले भी करेंगे, सब काम भी करेंगे, लेकिन पंचायत में ये नहीं होनी चाहिए। विभाग द्वारा हमारे गांव के कुछ लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वो मुकदमे समाप्त हो, ये इस पंचायत का अहम मुद्दा है, अहम बिंदु है। अगर ये मुकदमे समाप्त नहीं होंगे तो आने वाले दिनों में फिर एक धरना प्रदर्शन, फिर एक पंचायत होगी। विद्युत विभाग की अवैध उगाही बंद हो, अगर नहीं होगी तो बक्सा नहीं जाएगा, बक्सा नहीं जाएगा। ये विद्युत अवैध उगाही क्या होती है ये भी बता दूं क्या होती है। कुछ लोग एसडीओ जेई लाइन मैनों को लेकर आते हैं, लाइन मैनों को 10-20-50 घरों में छप्पा डालते हैं और फर्जी वीडियो बनाते हैं और पीछे से इन लाइन मैनों को भेज देते हैं कि जाओ उगाही करके लाओ। चार सितंबर में पंचायत थी, किस मुद्दों को लेकर पंचायत थी कराना में? पंचायत इसलिए थी जो बिजली विभाग वाले हैं, मीटर तो लग रहा है पैनल दरवाजे पे, अरे सीधे घरों में बढ़ जा। ये भी जो 5-10 दिन पहले मेरे गांव कंडेला में ही बिजली वाले आए, मेरे घर में बैठ गए, वहाँ मेरी माता बहने थी, उन्हें दिक्कत होगी। जब कोई अचानक घर में घुस जाएगा ऊपर आदमी तो जो औरतें होंगे कमज़ोर पड़ जाएँ, हमारा खून जो है कमज़ोर पड़ेगा किसानों का, पूरा का पूरा। दोनों तबके किसान और मजदूर कमज़ोर पड़ेंगे, लड़ना भूल गए, अपनी जो स्थिति है उसने भूल गए। तो ये घर में घुस के वे बीमार होगी, हम उन्हें सामली ले गए, वे अब लोग बीमार हैं। किसान इसलिए जिंदा है क्योंकि उसका पहले का जुड़ा हुआ पैसा उनके उसके पास है। अगर यू भी खत्म हो गया तो आत्महत्या करने के कगार पर खड़ा किसान। 3 रुपए किलो जाएगा, 200 रुपए किलो होगा, बताओ महंगाई देख कहाँ जाएगी। किसी सरकार की सिर्फ जान है किसी का, वो जान नहीं है। भाजपा भाजपा है, सरमाएदारों की पार्टी है, जो मजदूर किसान है सब परेशान। इन्हें सुविधा पे दुनिया भर के चोर यहाँ से इकट्ठे कर रखे, वे घरों में जाए तार पकड़े राणा करे, किसी के तार अगर ठीक भी है उन्हें भी वे चोरी में साबित करने का पूरा प्रयास करे और फिर पैसे हटने का उनका बढ़िया धंधा हो जाए। तो इसी के लिए फिर सभी मंत्री जी के पास गए, फिर गांववासी और हल्का वासियों ने ठा के पंचायत करी यहाँ से। इस पंचायत में हम भी आए और आप भी देख सकते हो कितना बढ़िया अंजूम यहाँ पे इनके खिलाफ आया हुआ है। ऐसी सरकार को तो आपको ये बात समझने की है, प्रशासन को सब कर्मचारी है, तनख्वाह है उनकी, लेकिन उनमें ऑर्डर तो ऊपर से ही आते हैं। तो ये बात समझने की है, हमारी अगर कोई कमर तोड़ेगा तो हम इसी तरह आगे भी पंचायत करेंगे, चाहे कोई कितना ही समझाए, मना करे, डराने की कोशिश करे, हम डरने वालों में से नहीं है। और हम है विपक्ष के, हम है विरोधी, हम करते हैं। मैं अपनी पार्टी के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, मैं अपनी जनता के लिए यहाँ पर आई हूँ। और जिस तरह हर रविवार को सरकार मोदी जी से हम भी अपील कर सकते हैं, हम क्या उनकी जनता नहीं है, हम क्या इस देश के नागरिक नहीं है, हमारा भी अधिकार है। हमने यहाँ चके महाप्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से सारी अपनी बात बताई,
वैसा नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। आप तो आज करेंगे लेकिन हम लोगों पे क्या असर पड़ेगा इसका, वो मैं जानता हूँ। और वहाँ चिंता में सब लोगों ने चिट्ठी, MP साहब भी थे, बहन जी भी, मैं भी, अनिल भाई, वो लिख कर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई कि इनके तबादले आज ही हों। उन्होंने तय किया हम तबादले भी करेंगे, सब काम भी करेंगे, लेकिन पंचायत में यह नहीं होनी चाहिए फिर उसको। लेकिन 45 वर्षों की राजनीति के बाद मुझे पहली बार एहसास हुआ है, और कहाँ बहुत बड़े बड़े नेता हैं, अगर संघर्ष करना था तो विपक्ष का संघर्ष करना तो करे, आप लोग करिए जो संघर्ष कर सकते हो। लेकिन मुझे महसूस हुआ क्योंकि एक खबर लखनऊ पे जा रही है।